सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने एक वर्ष की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की और बताया कि कोरोना की इस महामारी के बावजूद एनटीपीसी ने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है। एनटीपीसी विंध्याचल ने बीते एक वर्ष में बहुत से सेवा कार्य किए और लक्ष्य से अधिक उत्पादन भी किया। एनटीपीसी ईडी मुनीश चौहरी ने बताया कि देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी में भी एनटीपीसी ने अपने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है। एनटीपीसी के CSR मद में ग्रामीण इलाकों के विकास का कार्य भी किया गया। CSR के अंतर्गत खनुआ में 100 सीटर आदिवासी छात्रावास का निर्माण कराया गया। एनटीपीसी का राखड़ का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। मुनीश जौहरी ने बताया कि कोरोना काल में गरीबों को जरूरत के सामान भी बांटे गए। एश यूटिलाइजेशन के ऊपर हमारा एनटीपीसी विंध्याचल का विशेष जोर है और अगर हम देखेंगे तो इस साल हमने करीब 31,25,000 टन ऐश यूटिलाइज करी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 8,00,000 टन ज्यादा है। ऐश यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऐश को बाहर ले जाने का अरेंजमेंट करना। उसके लिए हम स्टेज 1 एंड स्टेज 4 के लिए स्पेशल साइलोज बना रहे हैं और उसके नीचे रेलवे कनेक्टिविटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेज 1 में यह काम करीब करीब खत्म हो रहा है और मई महीने में हम हो सकता है पहला रेक ले जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, डायरेक्ट लोडिंग करके रेलवे रेक में। इसके अलावा जो है हम बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अभी NHAI के लिए, बनारस के लिए या एश ब्रिक प्लांट वगैरह को देने के लिए, क्योंकि वहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं होती है। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं NHAI की जो दूर की रिक्वायरमेंट रहती है रोड ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए, रेल कम रोड कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं और उसके लिए भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वेंडर्स के साथ में कि हम रेल कम रोड कनेक्टिविटी के थ्रू बनारस या आसपास के इलाके में हम ऐश को भेज सके। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी।